हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, आज का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, क्योंकि आज ये धूप निकला ही नहीं, सारा दिन सुबह सुबह धूप नहीं निकला है। दरअसल मैं अभी ना देख सकते मेरा टोटो घर में लगा हुआ है। दरअसल मैं टोटो चला करके जो है अभी घर पर आ चुका हूँ, और मैं सुबह सुबह वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। कभी बारिश आ रहा था तो कभी जा रहा था, और सारा रात जो है बारिश पूरा, मतलब सारा रात बारिश गिरा है। और सोता मस्त, दरअसल सुबह में 11 बजे का करीब मैं नींद से उठा 11 बजे, और अभी जो है जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो देखते आज क्या क्या बना है। उससे पहले आप एक बार मौसम चेक कर लो, क्या ही मौसम है चारों तरफ। अभी जो गैस मैं आ गया हूँ गर्मा गर्म भात खाने, भात आलू का चोखा और गोभी का सब्जी। अभी जो है गैस खाना वाना खा लिया हूँ, और आज का जो खाना था काफ़ी मस्त था, क्योंकि आलू का चोखा दाल भात था और गोभी का सब्जी भी था। गैस खा के ना पूरा मज़ा आ गया। तो चलो चलते हैं अभी मार्केट में, थोड़ा घूम के आते हैं। अभी जो है गैस निकल गए घर से बाहर, देख सकते हो, और मेरा साथ शीतल जा चुका है बहुत दिन बाद। चलो चलते हैं हमें घूमने का लिए, जो कि शाम का वक्त दरअसल यहाँ में आया करता हूँ, बहुत बार आया हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, देख सकते हो। यहाँ आने के बाद ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि रास्ते में जो है गाड़ियाँ चलती रहती है, और यहाँ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ जो हवा ही है, हवा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा गाइस, पहला बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भोलेनाथ का, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक क्या सीन है इसका। इसे तो देखने में दूर से छोटा ही लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो। और यहाँ का मस्त नज़ारा, ये नदी यहाँ का, और वैसे रहा यहाँ का एक नाव भी है, देख सकते हो नाव। और पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जो भर गया था, देख सकते हो, मतलब बीच में नहीं था लेकिन पानी बहुत ज़्यादा जो भर गया था इसमें। चलो गाइस, अभी जो है घूम हम लिए और अभी चलते हैं घर, और देख सकते हो उधर में जो है मेरा टोटो इधर में लगा हुआ है। अभी जो है गाइस घर पर जा रहे थे, और मानंदा से आए थे ज्ञान नगर, चलो सब खोलते और सब ठीक करते हैं। लेकर आता और वाला भी खुल गया, इसको भी खुलना पड़ेगा ना सर। वो तो ये प्यारी फट गया है, इसे नट खोल लिया गाइस, और इसको लगा देते हैं फटाफट इसमें। गुरुद्वारा है ना, तो सही है, मिसाउंड आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। अभी ये गाइस क्या गुरुद्वारा में बस मजा है। लक्ष्मी
और एक आदमी का टायर फट गया जो कि बारह गाड़ी था। इसी गाड़ी का टायर फट गया। फाइनली जो है गाड़ी का टायर लगा लिए हैं, गाड़ी का टायर लगा लिए तो चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ घर में, क्योंकि गाड़ी का जो है टायर जो है लीक हो गया, लीक नहीं था असल, टायर ना फट गया वहाँ पर, तो उसको चेंज करके दे के आया। और ये वाला टायर जो है, ये वाला टायर एक साइड में फूल गया, तो ये वाला टायर ना नहीं चल रहा है। तो अभी मैं आया हूँ घर में और देखता हूँ अभी घर में क्या करने वाला हूँ। और मेरा साथ में देख सकते हो सीतेश भी आ गया है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। सीतेश का शादी बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाला है, सोच रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ लेकिन बनाने नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि कैमरामैन का दिक्कत नहीं, मतलब खुद का मतलब ये लग रहा है, पहले कैमरामैन का दिक्कत, तब मेरा दिक्कत, फिर तेरा दिक्कत। मैं ना अभी मतलब गया था दुकान में, गैरेज में, तो वहाँ पर मतलब जाकर के देखा कि मेरा टायर जो पूरा तरीके से फट गया है, तो उस और टायर को मतलब गैरेज देकर भी चलाया नहीं जाएगा, तो उसको जो मैंने दे दिया पैसा वो नया टायर आने के लिए, क्योंकि वो टायर नहीं चलेगा। और अभी मैं घर में, और अभी मैं जाऊँगा थोड़ा देर बाद में खाना वाना खाऊँगा, खाओ के सो जाऊँगा। तो आप सभी को लिए अगला वीडियो में तो मैं बाय नहीं बोला था, और वो वीडियो दरअसल मैं छोड़ दिया, लेकिन वो वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, सारा दिन हो गया लेकिन पोस्ट नहीं हुआ वीडियो। तो देखते पोस्ट हो जाने से भी इस वीडियो ना मैं 8 बजे डालूँगा सुबह 8 बजे नेक्स्ट डे। तो आप लोग से मतलब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तो मैं खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा।